हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा कश्यप। हमारी यूट्यूब चैनल कुछ नया सीखें विद पूजा में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बनाने वाले हैं बेज बेसन चीला, जिसे हम नाश्ते में भी खा सकते हैं और इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। बेज बेसन चीला खाने में बहुत टेस्टी होता है और ये हेल्दी भी होता है। तो चलिए बनाते हैं बेज बेसन चीला। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चीला बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल में हम एक कटोरी बेसन डाल देते हैं। इससे हमारे 4 से 5 चीले आराम से बन जाएंगे। अब हम बेसन का एक घोल तैयार कर लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं। इस प्रकार से हम घोल तैयार कर लेते हैं। बेसन में हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, जिससे इसमें लम्स ना पड़े। बैटर हमारा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड कर देते हैं। सब्जियों में हमने यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज ली है, इसमें हम डाल देते हैं। बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं, वो भी इसमें हम डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हमने एक कच्चा आलू लिया है, जिसे हमने बहुत बारीक काट लिया है। अब इसे हम इसमें डाल देते हैं। कुछ बारीक कटी हुई पालक ली है, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, बारीक कटी हुई हरी धनिया ली है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें अजवाइन, जिसे हम हाथ से इस प्रकार से क्रश कर लेते हैं और इस प्रकार से इसमें डाल देते हैं। 1/2 टेबल स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, जिससे अच्छा कलर आएगा इसमें। अब हम डालते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक और अब हम सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार से हम अपनी सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं। हमने सारी चीजों को मिक्स कर लिया है। हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। बैटर हमारा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी इस प्रकार की होनी चाहिए। अब हम इस बैटर से चीले बनाना शुरू करते हैं। चीला बनाने के लिए हमने यहाँ पर नॉनस्टिक तवा ले लिया है। तवा को हमने गैस पर रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। इस प्रकार से इसमें ऑयल डाल देते हैं। आंच को हमें अभी स्लो रखना है। अब हम अपना बैटर डाल देते हैं। इस प्रकार से इसमें हम अपना बैटर डाल देते हैं। और इसे फैला लेते हैं। चीले को हमें जिस साइज में बनाना है, हम उसको उस साइज में फैला लेते हैं। चीले को हमने पतला पतला फैला दिया है। गैस को अब हम मीडियम कर लेते हैं और हम इसमें चारों तरफ से इस प्रकार से ऑयल डाल देते हैं। मीडियम आंच में हमें चीले को एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। अब हम अपने चीले को देख लेते हैं चारों तरफ से इस प्रकार से। किनारी निकाल देते हैं और अपने चीले को देख लेते हैं। हमारा चीला एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम पलट देते हैं और चीले को दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। चीला हमारा दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। चीला हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इस प्रकार से प्लेट में निकाल लेते हैं।
इसी प्रकार हम अपने सारे चीले सेक लेते हैं। दूसरा चीला भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम अपने सारे चीले सेक लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे बीज बेसन चीला बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारे बीज बेसन चीले की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।